press the bell icon on the YouTube app and never. तो अगर 22 करोड़ मोर और लेस मुसलमान में से अगर 15 करोड़ मेल करता है तो ये कमजोर सरकार अपने आप बैकफुट ले लेगी और इस बिल को यही के यही वैनिश कर देगी अगर 15 करोड़ मुसलमान अल्लाह की राह में ये मेल करते हैं तो. और ये रहा उसका स्टेटमेंट. ठीक है, साथ साथ में जाकिर नायक ने ये भी कहा है कि जो कोई. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त, शिक्षित और बहादुर महिलाओं को. जहां आप एक तरफ देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो की बात करेंगी वक्फ बोर्ड के बारे में, जिसे सुनकर ओवैसी रोने लगेगा. तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद, जय भारत. चिंता की बात तो यह है कि जेपीसी बनी हुई है, वहां बहस हो रही है, लेकिन आप तो मुस्लिम वर्ग को इसके नाम पर भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं. तो मुसलमानों का काम ही क्या है? मुसलमान समाज में ये ठेकेदार उसी वक्त तक है जब तक उनका ये भड़काओ चरित्र चलता रहेगा. जिस दिन उनका ये, जिस दिन वो सुलझी हुई बात करने लगेंगे उस दिन तो फिर उनका जो ऑरा है, जो उनकी सत्ता है, जो उनका पावर है, जो उनकी लैविश लाइफ है, वही खत्म हो जाएगी. कभी मस्जिद बनाओ के नाम पर भड़काओ, कभी फिरकों के नाम पर भड़काओ, कभी मजारों के नाम पर भड़काओ, कभी मदरसों के नाम पर भड़काओ, कभी गुस्ताख रसूल के नारे के नाम पर भड़काओ, और कभी युवा नौजवान मुसलमानों को, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, जो डॉक्टर का स्टूडेंट होता है, जो वकालत करने वाला स्टूडेंट होता है, उसको भड़का भड़का करके अपनी तकरीरों से मर्डरर बनाने का काम भी करते हैं. ये लोग करते हैं, आराम से करते हैं. एक इकोसिस्टम इनका चलता है, लीगल इकोसिस्टम. जिस लीगल इकोसिस्टम में ये लोगों को और मुस्लिम नौजवान युवाओं को ये बताते हैं कि तुम जो भी क्राइम कर लो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, ये लीगल इकोसिस्टम तुमको बचाएगा. और मुसलमान वकील उसमें सबसे ज्यादा होते हैं. मुसलमान वकील ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिब्रांडो हिंदू वकील भी होते हैं. ठीक है, अब आती है बात कि सिर्फ अवेसी नहीं है इस मैदान में भड़काने में, इसमें अब जाकिर नायक भी कूदे हैं. और जाकिर नायक मात्र 11 घंटा पहले कूदे हैं, और जाकिर नायक ने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं कि आपको अब आगे आना पड़ेगा. और क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार कमजोर है, 240 सीटें हैं उसकी, और वो दो पार्टियों के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाया है, तो अगर 22 करोड़ मोर और लेस मुसलमान में से अगर 15 करोड़ मेल करता है तो ये कमजोर सरकार अपने आप बैकफुट ले लेगी और इस बिल को यही के यही वैनिश कर देगी अगर 15 करोड़ मुसलमान अल्लाह की राह में ये मेल करते हैं तो. और ये रहा उसका स्टेटमेंट. ठीक है, साथ साथ में जाकिर नायक ने ये भी कहा है कि जो कोई भी अल्लाह तबारक ताला पर यकीन करता है, जो कोई भी नमाज को मानता है, जो कोई भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, वो बाहर निकलेगा और अपने अपने तरीके से वक्फ बोर्ड के इस बिल का विरोध करेगा. अपने अपने तरीके से वक्फ बोर्ड के इस बिल का विरोध करेगा. समझ में आ रही है आपको बात? अब वो जाकिर नायक जिसके ऊपर 55 टेरर केसेस है, वो जाकिर नायक जिसने अपने स्कूल में 135 बच्चों को टेरर एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दी थी, वो जाकिर नायक जो भगोड़ा है, वो जाकिर नायक जो अपनी तकरीर में मुसलमान युवाओं को मास्टरबेशन हलाल है कि हराम है ये बताता है, वो जाकिर नायक जो 72 वर्जिन हूरों का लालच देता है मुसलमान युवाओं को, वो जाकिर नायक जो जिसने इतना स्कैम किया अपनी सभा के दौरान और बड़े बड़े डिजिटल मंच पर चढ़ करके और पीछे से उन लोगों को
जो प्रोपगंडा के विक्टिमाइज लोग थे उनको सामने खड़ा करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करता था कि देखो इसने इस्लाम कबूल किया, इसने इस्लाम कबूल किया, और जब बाद में जाकर नायक का ये स्कैम बस्ट हुआ तो उन लोगों ने आकर के नेशनल न्यूज के कैमरे पर बोला कि हमें पैसा मिलता था अपने आप को कन्वर्ट करवाने का, एक मैसेज भेजने का कि देखो जाकिर नायक ने आज अपनी इस तकरीर में इतने लोगों को कन्वर्ट करवाया। वो जाकिर नायक जो भारत में बैंड है, आज वो जाकिर नायक को रोड पर आना पड़ा है और विदेश से बैठ करके कहीं छुप करके पीछे दो फूल का गुलदस्ता रख करके और सामने एक टेबल और चेयर रख करके अपने अपनी जगह को छुपा करके ये मैसेज देना पड़ रहा है भारत के मुसलमानों को कि 22 करोड़ मुसलमानों में से 15 करोड़ बाहर आओ। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि जाकिर नायक का संपर्क असदुद्दीन अवैसी, तौकीर रशीदी और मदनी से बहुत अच्छा है। मैं लगता ये तो ये क्यों ना मानूं, है ना, मैं ये क्यों ना मानूं कि जाकिर नायक के जितने भी फॉलोअर इस भारत में अब भी हैं, साइबर क्राइम और आईबी को सर्च करना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फॉलोअर, वो समर्थक जो जाकिर नायक के लिए काम कर रहे हैं वो इस देश के लिए खतरा है। पर लगता जाकिर है हाँ नायक को अपनी बात को रखने के लिए मैं क्यों ना मानूं कि अवेसी, मदनी, रशीदी और तौकीर ने ही कन्विंस किया होगा कि अब तुम्हारी जरूरत है, तुम आओ और बोलो इस बात को, एक वीडियो जारी करो। क्वाइट पॉसिबल, पर मुझे ये समझाइए कि ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हमने कई बार पहले भी बात की कैसे काम करता है, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि इसके कुछ कागज तो होते होंगे, दस्तावेज तो होते होंगे, तो वो दस्तावेज तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास है। कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, मदरसे पर कब्जा हो जाएगा, मस्जिद पर कब्जा हो जाएगा, ये इस तरह की बातें ओएसी क्यों बोल रहा है और क्यों डर सता रहा है इनको ये सब कुछ। ये उसको भी पता है, अवेसी और जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं सबको पता है कि ना मस्जिद पे कब्जा होने वाला है, ना मदरसे पे कब्जा होने वाला है, ना कब्रिस्तानों पे कब्जा होने वाला है। कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे मस्जिद है, ये भारतीय है, ये मात्र भारत है इस पूरी दुनिया में जहां पर माइनॉरिटीज मुसलमानों को पाला और पोसा गया है और बढ़ाया गया है, फलाया पुसाया गया है। आप पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, 21 से 1%। आप अफगानिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, खत्म ही हो चुके। आप लेबनान के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, खत्म ही हो चुके। आप बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश मैं आ रही हूँ, आप श्रीलंका के हिंदू माइनॉरिटीज को देखिए, खत्म ही कर दिया। आप बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, काटने और मारने पर तुले हुए हैं, जमाते इस्लामी से इंटरिम सरकार बैठ करके बात कर रही है। तो ये मात्र भारत है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में मात्र भारत है जिसने माइनॉरिटी मुसलमान से लेकर के सभी माइनॉरिटीज को फलाया और पुसाया है। जो 7 करोड़ की आबादी थी वो आज 22 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है। जो 77,000 मस्जिदें थी वो 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हो गई। जो जो चंद मदरसे थे वो लाखों में मदरसे हो चुके हैं। जो चंद इमामबाड़े थे वो लाखों में इमामबाड़ा हो गया है। जो चंद मजारे थे वो लाखों में मजारे हो गई। अब मुझे ये भी जानना है कि अवेसी साहब ये डेटा दे पाएंगे कि अब 77 साल में कौन से पीर मुर्शिद पैदा हो गए जो चंद मदरसों से लाखों, चंद मजारों से लाखों में मजारे तब्दील हो गई। पर उस पर भी सरकार, कांग्रेस तो नहीं बोलेगा क्योंकि कांग्रेस तो गांधी परिवार तो मजारी बाबा है ही, तो वो तो नहीं बोलेगा। लेकिन अवेसी जो खुद को मुसलमान कहता है उसको तो पता है कि मजार परस्ती इज अ सिन, ठीक है। तो ये अवेसी को बहुत अच्छे से पता है कि ना ही मस्जिदें टूटने वाली हैं और ना ही मस्जिदों को सरकार जो है वो कैप्चर करने वाला है, ना ही मदरसों में कुछ आँच आने वाला है जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं। जब तक के अनटिल अनलेस उस मदरसे, वो मदरसा अवैध ना निकले या उस मदरसे के अंदर कोई मौलवी, मुल्ला या इमाम रेप ना कर दे या न्यूड फोटो शूट ना कर दे या जाली नोट का धंधा ना स्टार्ट करा दे, एक्टिव जो प्रॉपर मदरसे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ये सारी चीजों पे कोई आपत्ति नहीं आने वाली है, ये अवेसी को पता है, ये रशीदी को भी पता है, ये सबको पता है। लेकिन जो इन्होंने हड़प करके बैठा हुआ है, जो इन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ है, जो 200 लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी ऐशो आराम चला रहे हैं, अपना धंधा बना करके बैठे हुए हैं,
अपना कारोबार बना करके बैठे हुए हैं, ये पीड़ा उनको हो रही है। आज अगर मुसलमान इनकी बातों से इतने ही कन्विंस्ड रहते तो क्या इनको रोड की खाक छाननी पड़ती, कंधे पर लाउडस्पीकर ले करके 10-10 मुल्लाओं को उटंगा पैजामा पहन करके और चप्पल पहन करके गली गली घुस घुस करके बोलना पड़ता कि अल्लाह के नाम पर भीख और चंदा भी दो, फितरा जकात भी दो और केंद्र की सरकार के विरोध में एक मेल भी करो, ये बोलना पड़ता? कल तक तो ये फितरा और जकात स्लिप लेकर के मांग रहे थे, उटंगा पैजामा पहन करके और एक तो लेदर का बैग लेकर के स्लिप काट काट करके भीख लेते थे, और अब ये भीख के साथ साथ फितरा और जकात के साथ साथ मेल का भी भीख मांग रहे हैं। अब पहला सवाल ये आता है कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड के विरोध में बिल करो, मेल करो, तो अल्लाह को पता कैसे चला कि एक ऐसा ईरा आएगा 21वीं सदी का जिसमें मेल आएगा? ये तो कुरान में कहीं पर जिक्र नहीं है मेल का, अल्लाह को पता कैसे चला? नाजिया जी वहां तो ये सब हराम होगा, वहां तो फोटो खिंचवाना हराम है, टीवी देखना हराम है, मेकअप लगाना हराम है, ये आकर टीवी चैनल्स पर जब बैठ जाते हैं ओवैसी भी भाषण देते हैं फोटो खिंचवाते हैं वो सब भी तो हराम है। बिल्कुल हराम है, 100% हराम है, हर हाल में हराम है, और कई हदीसें गवाह है, और कई हदीसों में ये बात साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा भीड़ मौलवी मुल्लाओं की होगी, ये हदीस कई हदीसों में ये बात है लिखा हुआ कि जहन्नम में सबसे ज्यादा भीड़ मौलवी मुल्लाओं की होगी। नाजा जी ऐसे मत बोलिए, फिर 72 हूरे कैसे मिलेंगी उन सबको, वो तो 72 हूरों का सपना सजाए बैठे, जन्नत में जाएंगे 72 हूरे मिलेंगी, काम होगा उनका ये 72 हूरों वाला स्कैम है, ये जैसे फेसबुक पर ये 50-50 लड़कियां जो ये पटाते हैं ना, फेसबुकिया वाले जो 50-50 लड़कियां पटाते हैं, कुछ हाथ लग जाती है कुछ हाथ नहीं लगती है, ये वही है, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये ऊपर जाने के बाद जन्नत में 72 वर्जिन हूरे जब नहीं मिलेंगी तो ये रशीदी को गाली देंगे माँ बहन की वहां से बैठ करके, क्योंकि मुसलमान गालियां बहुत जबरदस्त देते हैं, कान से खून निकल जाता है। तो अब अल्लाह तबारक ताला को ये पता कैसे चला कि वक्फ बोर्ड आने वाला है, अल्लाह तबारक ताला को ये पता कैसे चला कि केंद्र की सरकार बनने वाली है? अच्छा बहुत अजीब बात है कि हमारे पूरे अल कुरान में या किसी भी हदीस में वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है, और हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो आप किसी का स्टेटमेंट देखिए ना कि हम ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि हम उनकी प्रॉपर्टी का की रखवाली नहीं कर पाए, ये डायलॉग भी तो ओवैसी बोल रहे हैं भाषणों में, एकदम झूठ है। एक आयत बता दे जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में बात लिखी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंजु पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन और ये दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे वक्फ बोर्ड से लेकर मजहब के ठेकेदार को एक्सपोज किया, और ओवैसी को इस बात की चिंता सताई जा रही है कि कैसे उसकी 3,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाएगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।